हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देनी चाहिए और किसे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं देनी चाहिए, क्योंकि 10th और 12th के रिजल्ट के आने के बाद में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि उन्हें इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। जो स्टूडेंट्स हैं वो दो तरह के हैं आज की डेट में, जो सेटिस्फाइड हैं अपने रिजल्ट को लेकर, तो सेटिस्फाइड वालों को एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जो अनसेटिस्फाइड हैं अपने रिजल्ट को लेकर। इफ़ यू आर अनसेटिस्फाइड विथ योर रिजल्ट, तो आपको ये एग्ज़ाम देनी है कि नहीं, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब अनसेटिस्फाइड भी दो, जो स्टूडेंट्स हैं अनसेटिस्फाइड वाले, उनमें भी दो कैटेगरी है, एक श्योर और दूसरा नॉट सो श्योर। ठीक है, तो अगर आप श्योर हैं, अब ये श्योर स्टूडेंट कौन है? ये वो श्योर हैं जिनका चाहे 90% आया हो, चाहे 50% आया हो, चाहे 99% आया हो, लेकिन अगर वो श्योर हैं कि नहीं, हमें तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देनी है क्योंकि हम इससे ज़्यादा अच्छा कर सकते थे रिटर्न एग्ज़ाम में और हम अच्छा स्कोर ला सकते थे, तो उन्हें तो एग्ज़ाम देनी ही चाहिए। हम इन स्टूडेंट्स की बात करें बिकॉज दे आर नॉट सो श्योर एंड दे आर कन्फ्यूज विद देयर रिजल्ट। अगर आप भी कन्फ्यूज हैं अपने रिजल्ट को लेकर, तो फिर क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चीज़ को, नॉट सो श्योर वाले स्टूडेंट जो कन्फ्यूज हैं, उनके लिए हमने इस रिजल्ट की बात को या इम्प्रूवमेंट एग्जाम की बात को सिंप्लीफाई करने के लिए इसे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है 59.9 से कम स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट जिनका स्कोर 59.9% से कम है, उन्हें एग्जाम देनी ही चाहिए। शुड गिव एग्ज़ाम। अब क्यों एग्ज़ाम देनी चाहिए उन्हें? क्योंकि यहाँ पे जो क्राइटेरिया आता है, बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं। अगर आप 0 से 59.9% वाले स्टूडेंट हैं, तो बहुत सारी ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती है, या बहुत सारे ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं जिसके अंदर ये स्कोर इंपॉर्टेंट होता है, चाहे हम बात करें 10th के रिजल्ट की, चाहे हम बात करें 12th के रिजल्ट की, क्योंकि ये एग्ज़ाम हमें सेकेंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न की कैटेगरी में डाल देता है। तो कई ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती है जहाँ पे ये वाला जो स्कोर होता है ये कम माना जाता है और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं डाल पाता है हमें, हमारे स्कोर को। तो इसलिए इन पर्टिकुलर परसेंटेज वाले बच्चों को तो एग्ज़ाम देनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी की। दूसरी कैटेगरी है 60 से लेकर 75 तक के स्टूडेंट्स की। अब 60 से लेकर 75% वाले स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? तो ये एग्ज़ाम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन देयर पर्सनल चॉइस। पर क्या करें, कंफ्यूज तो हैं, तो आप अपने टीचर से या मेंटोर से, जिन्होंने आपको 10th और 12th के टाइम पे पढ़ाया है या मेंटर किया है, या आपके पेरेंट्स, आप उनसे बात कीजिए, उनसे डिस्कशन कीजिए, उनसे प्रोज एंड कॉन्स पूछिए कि एग्ज़ाम देने से क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है वही रिजल्ट आपका फाइनल रिजल्ट माना जाएगा अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते हैं तो। और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में भी जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो CBSE ने बोला है कि इनकी एग्ज़ाम तो देनी ही पड़ेगी, तो वो एग्ज़ाम तो आपको देनी ही पड़ेगी। आप एक या दो सब्जेक्ट में एग्ज़ाम नहीं दे सकते, जितने भी सब्जेक्ट CBSE ने डिफाइन किए हैं, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट तो वो आपको एग्ज़ाम देनी ही पड़ेगी। तो क्या वो एग्ज़ाम देने के बाद में हम स्कोर को अच्छा कर सकते हैं? तो अगर हाँ, तो आपको एग्ज़ाम देनी चाहिए, और अगर ना, तो आपको एग्ज़ाम नहीं देनी चाहिए। तो ये डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ठीक है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, ये आपके पर्सनल व्यूज़ पे डिपेंड करता है कि आपको एग्ज़ाम देनी है स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए या नहीं देनी है। थर्ड कैटेगरी हमारी बनती है मोर देन 75% वाले बच्चे। ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 75% से ऊपर है, क्या उन्हें एग्ज़ाम देनी चाहिए? तो नहीं, हमारे पर्सनल व्यू के अकॉर्डिंग उन्हें एग्ज़ाम नहीं देनी चाहिए जिनका स्कोर 75% से अबव है। क्योंकि अगर आपका स्कोर 75% से अबव है, तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में, मैक्सिमम एग्जामिनेशंस में, मैक्सिमम गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में, और भी ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, सभी के क्राइटेरिया के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठते हैं। तो अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं, तो आपको इसमें इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने की बजाय अपने और दूसरे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने पर, या अपनी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, उस चीज़ की तरफ जाना चाहिए बजाय इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के। तो हमारी अकॉर्डिंग
जो 0 से 75% से ऊपर वाले स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट जिनका 75% से स्कोर ज़्यादा है, ठीक है, उनको एग्ज़ाम देनी चाहिए, उनको एग्ज़ाम नहीं देनी चाहिए, शुड नॉट गिव एग्ज़ाम, ठीक है। तो तीन कैटेगरी बन गई कि अगर आपका स्कोर 0 से 59.9 है तो आपको एग्ज़ाम देनी चाहिए, अगर आपका स्कोर 60 से 75% के बीच में है तो आप डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर से, पेरेंट्स से, आपके मेंटर से कि क्या हम इस जो हमारा स्कोर है अगर 70 है तो क्या हम 75 ला सकते हैं। अगर आपका स्कोर आप सोचते हैं कि +2 -2 की कैटेगरी तक ही फॉल करेगा जो आप सोच के बैठे थे उसके अकॉर्डिंग, अगर आपका स्कोर 70 है और 72 ही आप ला सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप एग्ज़ाम ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमको तो 60 दे दी और हम तो 75% से ऊपर स्कोर करने का सोच रहे थे, तो फिर आपको एग्ज़ाम देनी चाहिए। इस पर्टिकुलर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। थर्ड कैटेगरी के वाले अगर 75% पे हैं और या 80% पे है और उनको ऐसा लगता है कि हम 85 तक ला सकते थे, तो उन्हें एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सभी 75% से ऊपर वाले स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया करीब करीब सेम ही हो जाता है। तो आई थिंक दे शुड अवॉइड द एग्ज़ाम और कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर फ्यूचर प्लानिंग्स। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है कि आपको एग्ज़ाम देनी चाहिए या नहीं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।